गुड मॉर्निंग। आज अपन डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट एचईसीपी में से डिस्कशन करने जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि उसमें क्वेश्चन क्या आते हैं। मैं आरयूएचएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ना कि फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो आरयूएचएस के अंदर एचईसीपी के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन एक आता है कि डेमोग्राफी या फैमिली प्लानिंग, यानी जहां भी डेमोग्राफी का है तो सिंपल सा आप ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी वैज्ञानिक तरीके से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी स्टडी करना डेमोग्राफी कहलाता है। और फैमिली प्लानिंग मीन्स आप बच्चा कितने करने हैं, कब करने हैं, किस एज में करने हैं, उस सब की प्लानिंग और कैसे हो सकती है। तो जैसा सिंपल सा क्वेश्चन आए, जहां भी डेमोग्राफी या फैमिली प्लानिंग। अब सबसे पहले बात करें डेमोग्राफी होती क्या है। इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी, ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो सिंपल सी लाइन लिखनी है, इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और इट डील्स विथ, यानी क्या क्या देखते हैं अपन इसमें, आप डेमोग्राफिक जो प्रोसीड, जैसे फर्टिलिटी क्या है, मोर्टिलिटी क्या है, फर्टिलिटी मीन्स बच्चे कंज्यूम कंसीव करने का क्या रेट है, मोर्टिलिटी यानी डेथ रेट, यानी कितने हजार में से कितने बच्चों की डेथ होती है, किस एज में होती है, मैरिज किस रेट में होती है, एंड सोशल मोबिलिटी। यानी सोशल मोबिलिटी मीन्स ह्यूमन पॉपुलेशन का किसी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना, ये चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन लेके हो या एनवायरमेंट की वजह से हो, तो उन सब पॉपुलेशन की एक साइंटिफिक स्टडी करना या स्टडी करना कहलाता है डेमोग्राफी। यानी डेमोग्राफी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और विच डील्स विद द डेमोग्राफिक प्रोसीड, नेमली फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, मैरिज एंड सोशल मोबिलिटी। अब बात करते हैं कि डेमोग्राफिक साइकिल के हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन को, बात करते हैं कि डेमोग्राफी साइकिल, यानी डेमोग्राफिक मतलब क्या होगा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और उस आधार पे ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को पांच स्टेज में बांटा गया है। उसमें से सबसे पहला स्टेज फर्स्ट जो है उसको आप स्टेज का है, यानी हाई स्टेशनरी स्टेज। यानी स्टेज फर्स्ट के अंदर वो कंट्री आती है जिसके अंदर बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है, मींस जिस ऐसे देश जिसके अंदर हेल्थ सर्विस की कमी है या एजुकेशन की कमी है, तो वहां बर्थ भी ज्यादा होती है, यानी जन्म दर भी ज्यादा है एंड मृत्यु दर भी ज्यादा है, इसलिए नाम दिया हाई स्टेशनरी स्टेज। यानी स्टेज फर्स्ट में क्या आया, यानी दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई बर्थ रेट एंड द हाई डेथ रेट, मींस ज्यादा ही पैदा हो रहे हैं, ज्यादा ही मर रहे हैं, विच एक्ट इन द अपोजिशन टू ईच अदर, मींस अगर बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, बट अल्टीमेट पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट। इसमें आप कह सकते हैं द पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी, इसलिए इसका नाम दिया है हाई स्टेशनरी स्टेज। यानी डेमोग्राफी साइकिल के अंदर स्टेज फर्स्ट के अंदर या फर्स्ट स्टेज में क्या है, हाई स्टेशनरी स्टेज। तो सिंपल से आप लिख सकते हैं दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट विच एक्ट इन अपोजिशन टू ईच अदर एंड द पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी, यानी पॉपुलेशन आप रिमेन क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। दूसरा सेकेंड में, इन दिस अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज, मीन्स इनिशियली पॉपुलेशन का थोड़ा बढ़ना। अब स्टेज फर्स्ट के बाद धीरे धीरे एजुकेशन आया, अवेयरनेस आई, हेल्थ सेक्टर बढ़ा,
डेथ रेट थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई। इट मीन्स क्या हुआ कि पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि बर्थ रेट तो वही है लेकिन डेथ रेट थोड़ी सी कम हो गई, इसलिए थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ी, इसका नाम दे दिया अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। यानी कह सकते हैं डेथ रेट बिगनिंग टू डिक्लाइन व्हाइल द बर्थ रेट रिमेन अनचेंज्ड। यानी बर्थ रेट आपकी वही है लेकिन डेथ रेट थोड़ी सी कम होने की वजह से पॉपुलेशन में थोड़ा एक्सपांड हुआ, इसलिए इसका नाम दिया अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। तो स्टेज फर्स्ट क्या था, हाई स्टेशनरी स्टेज। स्टेज सेकंड क्या था, अर्ली एक्सपांडिंग। स्टेज फर्स्ट में ज्यादा ही पैदा हो रहे थे, ज्यादा मर रहे हैं। स्टेज सेकंड में पैदा होते ही हो रहे हैं लेकिन डेथ रेट थोड़ी सी डिक्लाइन होगी, इसलिए इसका नाम दे लिया अर्ली एक्सपांडिंग। अब नेक्स्ट आती है थर्ड स्टेज। अब इस थर्ड स्टेज में क्या दिया है, लेट एक्सपांडिंग। अब जो जो साइंस ने तरक्की की, एजुकेशन बढ़ा, तो लोगों ने फैमिली प्लानिंग करनी शुरू कर दी, मींस उसकी बर्थ रेट भी घट गई। स्टेज सेकंड में क्या था, ओनली डेथ रेट घटी थी, बर्थ रेट वही थी, लेकिन जो जो एजुकेशन या जिस देश के अंदर डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन बढ़ा, हेल्थ सेक्टर बढ़ा, तो बर्थ रेट लोगों ने क्या की, फैमिली प्लानिंग की, बर्थ रेट थोड़ी सी कम की। और जो हेल्थ सेक्टर बढ़ा, जो जो उसकी डेथ रेट और कम हुई, इट मींस इसमें भी पॉपुलेशन बढ़ रही, लेकिन जो अब बर्थ रेट भी कम हुई लेकिन डेथ रेट उससे भी थोड़ी कम हुई, इट मींस उसमें भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं दिस स्टेज कैरेक्टराइज बाई फर्दर डिक्लाइन इन डेथ रेट एंड बर्थ रेट आल्सो फॉल। यानी बर्थ रेट भी थोड़ी फॉल हुई और डेथ रेट भी आपकी डिक्लाइन हुई, लेकिन अल्टीमेट पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो बिकॉज द बर्थ एक्सीड द डेथ। यानी डेथ की तुलना में बर्थ अभी भी ज्यादा हो रही है, इसलिए पॉपुलेशन एक्सपांड हो रही है, इसलिए इसका नाम दे दिया लेट एक्सपांडिंग। और वैसे इस स्टेज के अंदर मेनली कौन कौन सी आती है, जैसे चाइना, इंडिया, इसमें कौन, चाइना, सिंगापुर एंड इंडिया, इस देश चाइना, सिंगापुर और इंडिया भी स्टेज थर्ड के अंदर आती है। तो अपन ने डेमोग्राफी साइकिल में देखो तीन स्टेज की है। पहली स्टेज थी आपकी हाई स्टेशनरी स्टेज, मींस ज्यादा ही बर्थ रेट और ज्यादा ही डेथ रेट। दूसरे के अंदर जो जो एजुकेशन बढ़ा तो डेथ रेट थोड़ी सी कम हुई लेकिन बर्थ रेट हुई थी आपकी, तो इसलिए उसमें पॉपुलेशन बढ़ी, तो अर्ली एक्सपांडिंग। स्टेज थर्ड के अंदर लेट एक्सपांडिंग, यानी डेथ रेट और घट गई, बर्थ रेट भी घटी लेकिन बर्थ की तुलना में डेथ रेट कम हो रही है, इसलिए पॉपुलेशन इसमें भी बढ़ रही है, तो ये आपकी तीसरी स्टेज होगी लेट एक्सपांडिंग। और बात करें फोर्थ स्टेज की, तो फोर्थ स्टेज के अंदर क्या हुआ, लो स्टेशनरी स्टेज, मींस व्हिच कैरेक्टराइज बाय द लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। जैसे स्टेज फर्स्ट में क्या था, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, इसी प्रकार स्टेज फर्स्ट के इसके अंदर भी क्या है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, मींस आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। जैसे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ 0%, यानी पॉपुलेशन उतनी है जितनी है, यानी आप कह सकते हैं इसमें बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। अब स्टेज फर्स्ट के अंदर भी पॉपुलेशन कांस्टेंट थी लेकिन उसमें ज्यादा ही पैदा हो रहे हैं, ज्यादा ही मर रहे हैं, इसमें पैदा भी कम हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं। और फिफ्थ स्टेज आती है, उसको डिक्लाइन स्टेज कहती है। क्या कहती है, यानी आप कह सकते हैं इसमें जर्मनी और हंगरी इस स्टेज के अंदर है जिसके अंदर बर्थ रेट कम होगी, यानी उसमें पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घटने लगी, इसलिए डिक्लाइन स्टेज क्या बोल दिया। तो आपकी डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर पांच स्टेज आई, तो एक बार रिवीजन फिर कर ले, पहला स्टेज में था स्टेज फर्स्ट के अंदर हाई स्टेशनरी स्टेज, मींस हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। सेकंड था आपका अर्ली एक्सपांडिंग, मींस उस केस के अंदर बर्थ रेट आपकी वही थी, डेथ रेट थोड़ी सी कम होगी, इसलिए पॉपुलेशन थोड़ी एक्सपांड हुई। स्टेज थर्ड के अंदर क्या था, यानी डेथ रेट और डिक्लाइन होगी, बर्थ रेट भी डिक्लाइन होगी,
लेकिन डेथ रेट की तुलना में बर्थ रेट ज्यादा है, इसलिए इसमें भी पॉपुलेशन बढ़ी, इसलिए लेट एक्सपांडिंग। और फोर्थ स्टेज के अंदर आपने लो स्टेज मतलब कम ही बर्थ रेट और कम ही डेथ रेट, यानी लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। और फिफ्थ स्टेज होगी, वो होगी आपकी डिक्लाइन स्टेज बोले तो, जिसके अंदर पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही। अब अगर बात करें तो ये तो आपकी होगी डेमोग्राफिक साइकिल होता क्या। अब अगर आप बात करें डेमोग्राफिक साइकिल का, तो अपन ने कहा था कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और उसमें आपने स्टडी करके ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को पांच स्टेज में बांट दिया। अब जब बात डेथ रेट या बर्थ रेट की आती है, तो बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल करना है, या बच्चा कब पैदा करना है, किस एज में करना है, या कितने बच्चे करने हैं, वो सब एक जो प्लानिंग होती परिवार के अंदर, उसी को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। यानी आप कह सकते हैं इट रेफर टू प्रैक्टिस दैट हेल्प द इंडिविजुअल और कपल टू अटेंड द सर्टेन ऑब्जेक्टिव। यानी फैमिली प्लानिंग एक प्रकार की आपकी प्रैक्टिस है, आपकी इंडिविजुअली हो सकती है, यह आपकी कपल की हो सकती है कि मुझे बच्चे कब पैदा करना है, कितने करना है, और ये प्रैक्टिस है टू अटेंड द सर्टेन ऑब्जेक्ट पहली टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। पहला ऑब्जेक्ट आपका है कि अनवांटेड बर्थ नहीं होनी चाहिए, उससे कैसे बचा जाए। दूसरा टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, के बच्चे आपको करने हैं। पहला तो कि बच्चे अनवांटेड नहीं हो, जो आप नहीं चाह रहे वो नहीं हो, और बच्चे कब करने हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका। और तीसरा टू रेगुलेट द इंटरवेल बिटवीन द प्रेगनेंसीज, यानी एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में गैप कितना रखना है, जैसे 3 साल का रखते हैं तो ये भी कपल डिसाइड करता है कि 3 साल ये तक अपने और कंसीव नहीं करना है। और चौथा टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर ऑन रिलेशन टू एज ऑफ द पेरेंट्स एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चाइल्ड इन द फैमिली। यानी अगर सीधी सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं तो फैमिली प्लानिंग में मेन ऑब्जेक्ट क्या आपका, पहला ऑब्जेक्ट है कि अनवांटेड बर्थ नहीं हो, वांटेड बर्थ हो, दोनों के बीच में इंटरवेल कितना हो, और आप किस टाइम में हो, और आप कितने बच्चे हो। फैमिली प्लानिंग में सिर्फ ये है कि भी आपके अनवांटेड बर्थ नहीं हो, आप चाह रहे वो बर्थ हो, और किस एज में हो, उसके बीच में इंटरवेल कितना हो, और नंबर ऑफ बच्चे आपको कितने करने हैं। तो ये सब प्लानिंग होती है फैमिली प्लानिंग के अंदर। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं कि फैमिली प्लानिंग, अब बात करें कि फैमिली प्लानिंग का मेथड क्या है, कि जब आपकी बात चल रही है कि बच्चा पैदा ये कब होना चाहिए और कितने होना चाहिए, मीन्स आपको जो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये सब चीजें ऑब्जेक्ट को अचीव कैसे करें। तो सबसे पहले दिया है बिहेवियर मेथड, यानी आप अपने आदत में डाल लें, आप अपने आदत में डाल लें कि मुझे बच्चा नहीं करना है या मुझे इंटरकोर्स नहीं करना। तो पहला ये हो गया ओनली फुल प्रूफ मेथड इन विच 100% इफेक्टिव, मींस सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो ही मत, बच्चे होंगे ही नहीं। सबसे जो इफेक्टिव मेथड आपका ये है, यानी आप अपनी आदत में डाल लो कि मुझे करना ही नहीं, तो बच्चा होने का सवाल ही नहीं होता है। तो पहला तो आपको क्या है एब्सिटियंस मीन्स 100% जो फुल प्रूफ मेथड यही है कि आपको इंटरकोर्स करना ही नहीं। दूसरा होता है कोइटस इंटरसेप्ट, इन दिस मेथड द मेल विड्रॉल बिफोर द इजेकुलेशन एंड बाय ट्राइज टू प्रिवेंट। अब जाहिर सी बात है कि जब तक सीमन स्पर्म फीमेल के अंदर नहीं जाएंगे तब तक कोई कंसीव होने का सवाल ही नहीं होता है। तो आप जस्ट इजेकुलेशन से पहले आप विड्रॉ कर लें, यानी आप मतलब आपके स्पर्म या सीमन आप नहीं छोड़े, तो ये सिर्फ ओनली इजेकुलेशन मेथड बोलते हैं इसको, कि जस्ट बिफोर द इजेकुलेशन आपने विड्रॉ कर लिया। तो ये दो मेथड आपके हो गया बिहेवियर, यानी आपको आदत में डालना है। पहली आदत ये डालनी है कि मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही नहीं है, और दूसरी है कि आपको विड्रॉ कर लेना है, यानी आपको सीमन नहीं छोड़ना। अब बात कर रहे हैं और तीसरा है द डिपोजिशन ऑफ सीमन इनटू द वजन, मींस अगर बात कर रहे हैं कि आदत में डाले के कौन कौन सा टाइम सेफ है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 28 दिन का होता है,
तो आप कह सकते हैं कि डे वन टू डे फाइव अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है किसी रेट से, अगर ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है तो उसके पांच दिन तो मेंस्ट्रुएशन होता है, और फिर आप देखो छठे दिन से लेकर नौ दिन तक वो सेफ पीरियड होता है, उस दौरान जो कंसीव होने के चांस नहीं रहते। और डे टेन टू डे एटीन इज अनसेफ, यानी आपने अगर ये भी आदत में डाल लिया है कि कौन सा टाइम सेफ है और कौन सा टाइम अनसेफ है उसका भी आपने ध्यान रखा है तो आप कर सकते हैं। और डे 18 से लेके 28 तक बिल्कुल सेफ, यानी जो बीच के दरमियान जो है वो आपका अनसेफ है, यानी डे 1 टू डे 5 मेंस्ट्रुएशन, और आप 6 टू 9 सेफ पीरियड, और 10 टू 18 अनसेफ, और 18 से लेके नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक आपका सेफ पीरियड होता है। तो अनसेफ आपका सिर्फ बीच होना था, ये भी आपका आदत में डाल ले तो कर सकते हैं। अब बात है नेक्स्ट, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, यानी कह सकते हैं द प्रिंसिपल अंडरलाइंग दिस मेथड इज द सेम एज दैट ऑफ द कैलेंडर मेथड एंड दिस मेथड आर मोर ऑब्जेक्टिव दे डिपेंड अपॉन द सेल्फ रिकॉग्निशन, यानी आप कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम ऑफ वुमन, यानी जो नेचुरली बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल क्या सिम्टम है अगर आप उसको भी नोट करें तो भी आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। अब देखो क्या होता है नेचुरल मेथड के अंदर, कि ऐसा क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है वुमेन के अंदर जिससे आप ये कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन हो चुका है। तो पहला आप कह सकते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग की बात करें, पहले आपने क्या बिहेवियर में आपने क्या किया, आपने आदत में डाल लिया ये सेफ पीरियड कौन सा था वो देख लिया, आपने विड्रॉ करने वाला देख लिया। अब नेचुरल में क्या किया कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस आते हैं वो अगर आप नोट करते हैं तो आपको ये समझ आ जाता है कि ओव्यूलेशन हो रखा है तो अपन इंटरकोर्स नहीं करना। तो पहला है बेस बॉडी टेम्परेचर मेथड, यानी आप कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन के समय यानी द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन बॉडी टेम्परेचर 0.3 टू 0.5 सेंटीग्रेड अप हो जाता है, यानी सिंपल सा कह सकते हैं। तो इस मींस कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंक्रीज होने की वजह से वुमन के बॉडी टेम्परेचर में 0.3 टू 0.5 सेंटीग्रेड का इंक्रीज होना यह इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है, और ओव्यूलेशन के समय वुमन के बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। तो सिंपल आपको याद रखना है, यानी कह सकते हैं द बेसल बॉडी टेम्परेचर शोज ए राइज इन 0.3 टू 0.5 एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन व्हिच इज ड्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड इट मेजर बिफोर गेटिंग आउट द बेड इन द मॉर्निंग। दूसरा सर्वाइकल म्यूकस मेथड, मीन्स आप कह सकते हैं कि ओवुलेशन जब स्टार्ट होता है तो ये सर्वाइकल म्यूकस जो होता है बिकम द वाटरी क्लियरी और असेंबलिंग रो एज वाइट स्मूथ एंड स्लिपरी होता है आफ्टर ओवुलेशन, ये आपका इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। यानी आप कह सकते हैं ये सर्वाइकल म्यूकस जो है वो वाटरी और क्लियर है जब तक कंसीव नहीं हो, और कंसीव होने के बाद ये क्या हो जाता है जो थिकन होता है। और तीसरा होता है सिम्प्टोथर्मिक मेथड, इन दिस मेथड द फिजियोलॉजिकल सिम्टम राइजेस बेसल बॉडी टेम्परेचर म्यूकस और एस्टिमेशन ऑफ द सेफ पीरियड। इन सब तीन चीजों से क्या बेस्ड बॉडी टेम्परेचर सर्वाइकल म्यूकस मेथड एंड आप कह सकते हैं कि सेफ पीरियड, ये एक प्रकार का नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। अब बात कर रहे हैं केमिकल मेथड, देखो बात अपन कर रहे थे फैमिली प्लानिंग की और आपके डिफॉर्मेसी फर्स्ट ईयर में ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मीन्स आपको लिखना है, मैं बात उस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नहीं कर रहा हूं। तो लिखने के हिसाब से आप अगर बहुत ही सिंपल तरीके से सोचे कि कौन कौन सी फैमिली प्लानिंग हो सकती है, जैसे मैंने पहले पढ़ा था डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है, तो यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन पढ़ा आपने, आपने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को पांच स्टेज के अंदर बांट दिया, और फिर अपन फैमिली प्लानिंग के मेथड पहला पढ़ा बिहेवियर आपने आदत पर डाल लिया, दूसरा नेचुरल आपने पढ़ लिया, और तीसरा अपन कर रहे हैं केमिकल मेथड।
अब केमिकल का मतलब होता है इसके अंदर आप करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, मींस आप सिंपल सा कह सकते हैं कि ये सरफेस एक्टिव एजेंट जब अपन फार्मास्यूटिक्स पढ़े उसमें आएगा तो सिंपल क्या है कि ये स्पर्मिसाइड यूज करते हैं, दे आर जनरली द सरफेस एक्टिव एजेंट विच ऑन द कॉन्टेक्ट इनहिबिट द ऑक्सीजन अपटेक एंड किल द स्पर्म डिपोजिटेड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग इंटरकेस। यानी आपने वो केमिकल यूज किया या आपने स्पर्मिसाइड यूज किया तो वो ऑक्सीजन की जो क्या करेगा कमी कर देगा और जो स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो बॉडी के अंदर रह गए उसको किल करेगा। एंड द स्पर्मिसाइड शुड बी इंटरकोर्स वेजाइना बिफोर द 15 मिनट ऑफ इंटरकोर्स। यानी उस केमिकल को या स्पर्मिसाइड जो जनरली सरफेस एक्टिव एजेंट होता है जो ऑक्सीजन की कमी कर देगा और वो स्पर्म को किल करेगा, वो इंटरकोर्स से आपको 15 मिनट पहले यूज करना। जैसे इस पे आप देखिए किस रूप में कर सकते हैं, सिंपल सा आप फॉर्म के रूप में कर सकते हैं, यानी एक जो आप टेबलेट इंसर्ट कर सकते हैं वजाइना के अंदर, या जेली क्रीम या पेस्ट यूज कर सकते हैं विद एप्लीकेटर, और जनरली जो वजाइनल पेस्ट सीरीज आती है उस साथ में एप्लीकेटर आता है तो आप इसके द्वारा भी यूज कर सकते हैं फॉर्म और टेबलेट के रूप में या जेली और क्रीम के रूप में और जिसके अंदर जनरली सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। ये आपका हुआ केमिकल मेथड। अब बात करते हैं मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मींस आपको एक मैकेनिकल बैरियर लगाना, यानी आपको जो जो सीमन या स्पर्म और जो ओवुलेशन में जो अंडा हुआ है उसके बीच में आपको मैकेनिकल बैरियर लगाना। अब सिंपल सा बैरियर क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं कंडोम यूज कर सकते हैं या आप डायफ्राम यूज कर सकते हैं या उसको कह सकते हैं वेजाइनल एक बैरियर के रूप में, यानी आप कह सकते हैं उसको डोच कप भी कहते हैं। यानी जो डायफ्राम यूज करते हैं उसको डोच कप भी कहते हैं, जो एक कह सकते हैं फीमेल के द्वारा यूज करने वाला एक मैकेनिकल बैरियर, और मेल के द्वारा यूज करने वाला कौन सा होगा कंडोम और निरोध। ये सिंपल रबर का बड़ा होता है या ड्राई निरोध हो सकता है, डिलेक्स हो सकता है जो लुब्रिकेटेड रहता है, या वो सुपर डिलेक्स रूप हो सकता है। तो ये एक प्रकार का मैकेनिकल बैरियर बिटवीन द ओवम एंड स्पर्म। अब इसके बाद दूसरा मैकेनिकल क्या हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो सबसे ज्यादा चलने वाली कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जनरली तीन जनरेशन में आती है, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जो आती है वो नॉन मेडिकेटेड होती है सिंपल से। तो क्या हो गया, दीज डिवाइस आर प्लेस इनसाइड द यूटरस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी वो यूटरस के अंदर रखी जाती है जो प्रेगनेंसी से बचने के लिए। दीज आर बेसिक टू टाइप हो गया, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड, और ये जनरली पॉलीइथाइलिन की बनी होगी। ये देखो फार्मासिस्ट एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन, तो दोनों प्रकार के होगी नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। अब जो मेडिकेटेड के अंदर क्या हो सकता है, या तो आपका कॉपर होगा और या फिर उसके अंदर कोई हार्मोन होगा, जैसा नाम क्या मेडिकेटेड, यदि उसके अंदर कुछ कुछ मेडिसिन जो है साथ में, तो ये आपकी होगी मेडिकेटेड के अंदर या तो कॉपर रहेगा या हार्मोन के रूप में प्रोजेस्टेरॉन रहेगा। और ये नॉन मेडिकेटेड जनरली किस क्या है, फर्स्ट जनरेशन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, एंड सेकेंड जनरेशन जो होती है उसके अंदर कॉपर रहेगा और थर्ड जनरेशन के अंदर आप साथ में हार्मोन रहेगा। यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को आपने तीन जनरेशन बांटा, जनरेशन फर्स्ट जो नॉन मेडिकेटेड, जनरेशन सेकेंड वाली जो है उसके अंदर कॉपर, एंड थर्ड जनरेशन आपका जिसके अंदर हार्मोन जनरली प्रोजेस्टेरॉन रहता है। अब लिपस लूप, ये भी एक प्रकार का मैकेनिकल बैरियर आप कह सकते हैं, लूप जो एक एस शेप का लूप होता है जो फ्लेक्सिबल डिवाइस, इसके साथ में जो फाइन पॉलीइथाइलिन मटेरियल होता है जो कि नॉन टॉक्सिक एंड नॉन टिश्यू रिएक्टिव, मींस ये आपकी बॉडी के अंदर लंबे समय से रहता है, जैसे 3 साल रहता है 2 साल रहता है। यानी अगर वो टिश्यू के साथ रिएक्शन करेगा या टॉक्सिक हुआ तो वो आप बॉडी को नुकसान करेगा। तो जनरली अगर बात करें लिपिड लूप जो होता है वो नॉन टॉक्सिक एंड नॉन टिश्यू रिएक्टिव और एक्सट्रीमली ड्यूरेबल अबाउट 1.5 इंच इन लेंथ, यानी 1 से 1.5 इंच लंबा होता है, एस शेप में होता है, और इट अटैच विद द थ्रेड, यानी पीछे धागा रहता है जिसको इजीली आप रिमूव भी कर सकते हैं बाद में। तो ये प्रकार का मैकेनिकल बैरियर लिपस लूप जो एस शेप का होता है।
उसके बाद सिंपल सा कॉपर्टी, आपने सुना ही होगा नाम कि कॉपर्टी मीन्स इसके साथ में सेकेंड जनरेशन की इंटरा यूटेराइन डिवाइस, जिसके साथ में किससे होता है, कॉपर से बना होता है, सिंपल से कह सकते हैं। और इसका मेन जो काम टू इंश्योर द फुल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट, ये टी सेप्ट होता है। और ये जो 3 साल के लिए यूटेराइन के अंदर प्लेस किया जाता है। और अगर बात करें इसकी, अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव हो रखी है 3 से 4 दिन पहले की, उससे भी ये बचाने का काम करता है प्रॉपर्टी। और प्रोजेस्टा सेट, ये जनरली थर्ड जनरेशन हो गया, नाम ही प्रोजेस्टेशन प्रोजेस्टिन है, ये भी एक प्रकार का ये जो टी सेप्ड होता है, यानी आप कॉपर टी की तरह होता है, लेकिन ये थर्ड जनरेशन का है, मीन्स उस कॉपर की जगह इसके अंदर क्या है, हार्मोन है और वो प्रोजेस्टेरोन। अब बात करें कि जो आप इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यूज की, उसकी मैकेनिज्म क्या है, यानी ये प्रेगनेंसी को रोकती कैसे है। जैसे बात करें कि नॉन मेडिकेटेड, यानी जिसके अंदर सिंपल पॉलीथाइलिन का बना होता है, इसके ना कॉपर होती है और ना आपका हार्मोन होता है, कॉज द सेलुलर एंड बायोकेमिकल चेंज इन द एंडोमेट्रियम यूटेराइन फ्लूड एंड दीज चेंज इंपेयर द वायबिलिटी ऑफ गैमेट्स, बोले तो स्पर्म के वायबिलिटी को वो चेंज कर देगा, मींस वो इंटरकोर्स जो ओम के पास नहीं जा पाएगा। और कॉपर जो नहीं क्या होता है, सीम टू इनहेंस द सेलुलर रिस्पॉन्स इन एंडोमेट्रियम, अफेक्ट द एंजाइम इन यूटेराइस एंड कॉपर आयन मे अफेक्ट द स्पर्म मोर्टिलिटी एंड इट्स सर्वाइवल। तो सिंपल से दो मैकेनिज्म। और बात करें हारमोन्स, वो जनरली पता ही आपको, इन प्रोजेस्टेरोन यूज करते हैं, द हार्मोन रिलीजिंग द डिवाइस इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल फ्लूइड, ये सर्वाइकल जो म्यूकस की विस्कोसिटी बढ़ा देगा, जिसके उसकी वायबिलिटी या स्पर्म की ये मूव कम हो पाएगा एंड प्रिवेंट द स्पर्म द एंटरिंग द सर्वाइक्स एंड हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन द एंडोमेट्रियम एंड रेंडर अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये आपकी बात करें कि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल सा आप याद कर सकते हैं, कंबाइंड पिल होती है, इसमें एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है। और जो पिल आप जनरली बात करें, माला डी माला यूज कर सकते हैं, तो वो 21 दिन आपको यूज करनी है और वो 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन यूज करते हैं। और ये पिल किस किस को नहीं दे सकते हैं, जो 35 साल से एज हो, या किसकी डायबिटीज हिस्ट्री हो, या पेशेंट को डायबिटीज हो, या कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर, या जेनेटिक ऑर्गन का, या ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड है, तो उस केस में आपको यूज नहीं करना। और ड्रॉबैक ये होगा कि इट इनहिबिट द ओवुलेशन, स्टिम्युलेट सम वन सिग्नल सिम्पटम अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब ये अगर इसको प्रॉपर यूज नहीं करें या इसमें गैप आ जाए, उस केस में अर्ली प्रेगनेंसी होने के भी पूरे चांस है। तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक, या आप सबसे लास्ट मेथड आपका ये होगा टर्मिनेशन, यानी आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड आप सिंपल कह सकते हैं लेप्रोस्कोपी। वैसेक्टोमी मींस ये मेल के अंदर होता है, ट्यूबोक्टोमी यानी आपने ट्यूब को काट दिया, फीमेल के अंदर होता है, एंड लेप्रोस्कोपी यानी दीज आर द परमानेंट मेथड जिसके अंदर प्रेगनेंसी होने का कोई चांस नहीं, यानी आपने सिंपल सा ऑपरेशन करवा दिया। अब वैसेक्टोमी क्या है, आप सिर्फ ओनली जो वास डिफेंस है उसको काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इजेकुलेशन होगा लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं होगा। और ये ट्यूबेक्टोमी और लेप्रोस्कोपी बोथ फीमेल के अंदर होता है, और वैसेक्टोमी जो होती है वो मेल के अंदर होती है। तो दीज आर द परमानेंट मेथड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। तो 3 नाम याद रखना सिंपल सा। अब दूसरा मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो बना हुआ है 1971 के अंदर बना था, 1971 के अंदर, यानी कोई अगर अनवांटेड या इलीगल प्रेगनेंसीज है, और वो किस केस में होती है, या 18 साल से बच्ची कम है, बाई रेप के द्वारा हुई है, या उस केस के अंदर आप टर्मिनेट कर सकते हैं जिसके अंदर जो उसकी माँ जो है वो मेंटली और फिजिकली ये बच्चा कंसीव करने की स्थिति में नहीं, तो वो एक गार्जियन की सहमति से उसको कैसा कर सकता है, तो मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट के द्वारा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो कब कर सकते हैं, ये तो 12 वीक तक कर सकते हैं, अगर 12 वीक के अंडर में उसको प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ये भी एक्ट बना हुआ है। तो ये आपका सिंपल सा जो क्वेश्चन आया आगे, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, ये HECP के अंदर आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो आपको डेमोग्राफी होती है, आप पढ़ लिया गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और दूसरा फैमिली प्लानिंग के मेथड मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, और इसके
जो पीडीएफ मैं आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके बाद नंबर नहीं है, इस नंबर से जरूर आप मैसेज छोड़ दें। यानी ये डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है आपका, तो कीप स्टडी, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से हल करूँ। थैंक यू।